Hi guys, OnePlus Note CE4 आ चुका है और एक चीज मैं आपको बता दूं रेफरेंस के लिए, लास्ट ईयर जब OnePlus Note CE3 आया था उसको मैंने जो है सेफ फोन बोला था, मतलब मासेस को अगर मैं वो फोन रिकमेंड कर रहा था एक सेफ चॉइस थी। आई थिंक ये जो OnePlus Note CE4 है ना, ये भी सेफ फोन ही बोला जाएगा। समझाऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले बॉक्स ओपन कर लेते हैं। बॉक्स में बहुत अच्छा केस दिया है इन्होंने, डॉक्यूमेंटेशन है, 100 वॉट का चार्जर तक मिलता है और ऑब्वियसली केबल भी है। और फोन को अगर मैं अनरैप करके दिखाऊं, आई थिंक डिजाइन भी थोड़ा यूनिक है। और कुछ दिन इस फोन को टेस्ट करने के बाद ना मुझे दो चीजें फील हुई इस फोन के बारे में। सबसे पहली, मेरे हिसाब से इस फोन की जो बेसिक्स है वो बहुत राइट है। और दूसरी चीज, ये फोन जो है फैंटास्टिक बैटरी डिपार्टमेंट के साथ आता है। बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर OnePlus ने। सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा, स्टार्ट करने से पहले बता दूं मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदिंग एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अच्छा, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहूंगा डिजाइन के बारे में, तो जैसे कि कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर वाले OnePlus Note CE3 से, हां OnePlus ने जो है थोड़ा सा अपग्रेड करा है। ये जो मार्बल फिनिश आ रखी है CE4 के अंदर अच्छी लगी लास्ट ईयर के मुकाबले। बट सेम टाइम पे इस फोन के लुक्स के बारे में ये भी बोलूंगा भाई मैं कि और भी ब्यूटीफुल फोन्स मार्केट में अवेलेबल है। और मटेरियल्स की बात करूं तो पूरा फोन पॉलीकार्बोनेट है और फ्रेम भी जो है बॉक्सी फिनिश के साथ आता है। लाइक ओके इनहैंड फीलिंग है इस फोन की। फिर OnePlus ने IP54 रेटिंग दी है इस फोन के अंदर। बट एक चीज जो बहुत ही ज्यादा अच्छी है इस फोन के अंदर वो है स्पीकर्स, मतलब डुअल स्पीकर्स कमाल का साउंड करते हैं, बहुत लाउड एंड क्लियर है। इनफैक्ट प्राइस के हिसाब से तो मुझे हैप्टिक्स ही बहुत अच्छे लगे, लाइक टाइपिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। और जो डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स स्कैनर है वो ठीक काम करता है। और आईआर ब्लास्टर है इस फोन में, जो कि मैं ऑब्वियसली बोनस बोलूंगा। अच्छा, एक बार कनेक्टिविटी की बात करते हैं। इस फोन में ना हाइब्रिड सिम स्लॉट है, बट जो डाउनग्रेड की मैं बात कर रहा था वो कनेक्टिविटी में मुझे देखने को मिला। फॉर सम रीजन OnePlus ने डिसाइड किया कि इस फोन से NFC और Wi-Fi 6 हटा देते हैं। और ये चीज पॉइंट आउट भी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लास्ट ईयर वाले OnePlus Note CE3 के अंदर था, तो ये डिसीजन थोड़ा समझ नहीं आया। कि फ्रंट से बात करूं तो फोन की डिस्प्ले 6.7 इंच की है। और अगर मैं कंपटीशन से कंपेयर करूं ना इस फोन के बेजल्स को, तो लाइक डिसेंट बेजल्स है। कि डिस्प्ले के पैनल की बात करूं तो ये एक फ्लूइड एमोलेड पैनल है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। लास्ट ईयर के मुकाबले डिस्प्ले में एक अपग्रेड है जो मैं पॉइंट आउट इजिली कर सकता हूं, वो है ब्राइटनेस के अंदर। बट अगर स्पेसिफिकली ब्राइटनेस की बात की जाए तो जो लास्ट ईयर वाला OnePlus Note CE3 था उसमें 950 निट्स की ब्राइटनेस थी, जो कि बुरा नंबर था कंपटीशन के हिसाब से। खैर, OnePlus ने इस Note CE4 के साथ 1100 निट्स की ब्राइटनेस तो दे दी है। हाँ, इंप्रूवमेंट बोली जाएगी, बट कंपटीशन के हिसाब से 1100 निट्स भी अभी बहुत ग्रेट नंबर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर डायरेक्ट सनलाइट में फोन को यूज करो तो वो दिखता नहीं है। हाँ ठीक है, सही तरीके से काम कर जाता है, बट मैंने बेटर देखा है इस प्राइस सेगमेंट। इस साल एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करा है एक्वा टच, जो कि वो कोशिश कर रहे हैं अपने सारे फोन्स में देने की। और फीचर नो डाउट सुनने में सही है कि अगर रेन ड्रॉप्स होती है स्क्रीन के ऊपर तब भी स्क्रीन वर्क करेगी। अब ये चीज जो है लॉन्ग टर्म में कंफर्म मैं कर पाऊंगा कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। खैर, कंटेंट व्यू एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये फोन नेटफ्लिक्स पे HDR का सपोर्ट नहीं लेकर आता, लेकिन प्राइम वीडियोस पे HDR का सपोर्ट है। और जितना भी मैंने इसमें कंटेंट देखा है, जैसे कि एक फुल HD डिस्प्ले होती है ना, बिल्कुल वैसी ये परफॉर्म कर रही है। शार्प भी है, कलर्स भी अच्छे लेकर आती है, कुछ भी ऐसा सच बुरा नहीं है। बट इस फोन का जो बैटरी डिपार्टमेंट है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मतलब इन्होंने 40,000 का एक OnePlus 12R लॉन्च करा है। एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस जो है इस फोन में मिलती है 12R की तरह। आई मीन इस फोन में 5500 mAh की बैटरी है और 100 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है और चार्जर बॉक्स में दिया है। क्लियर इंप्रूवमेंट है लास्ट ईयर के मुकाबले और बहुत अच्छी बात है। और अगर इस फोन के बैटरी डिपार्टमेंट को मैं कॉम्पिटिशन से कंपेयर करूँ ना, तो हो सकता है कि किसी फोन में ज्यादा बैटरी मिल जाए लेकिन उसकी चार्जिंग स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होगी, काफी स्लो रहती है। और यूजुअली इस प्राइस सेगमेंट में 5000 एमएच की बैटरी मिलती है, 5500 दी बहुत अच्छी चीज है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से ना इस फोन का परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट भी बहुत बैलेंस्ड है, बहुत स्मार्टली प्रोसेसर पिक करा है OnePlus ने। क्योंकि ये जो फोन है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर के साथ आता है और प्राइस सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये एक अच्छा प्रोसेसर ही बोला जाएगा। और जस्ट आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि एक प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 7S Gen 2, उससे बेटर प्रोसेसर है ये। बट कंफ्यूज मत होना, एक और प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 7 Plus Gen 2, उससे अच्छा नहीं है। और इस फोन के दो ही वेरिएंट है, 8GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 256GB स्टोरेज। और अगर मैं स्टोरेज टाइप की बात करूं तो ये चीज उन्होंने अच्छी करी कि UFS 3.1 स्टोरेज दी है और जो रैम है वो LPDDR4X। और अगर बेंचमार्क्स की बात करूं तो N22 में ना इस फोन का स्कोर 8.5 लाख के अराउंड आया है। और कॉम्पिटिशन से कंपेयर करूं ना, एवरेज बता रहा हूं, 6 से 8 लाख के बीच में ही स्कोर लेकर आता है
आते हैं फोन, तो ये स्कोर अच्छा ही बोला जाएगा। अब वो अलग बात है कि भाई हर एक फोन पोको X6 Pro तो नहीं हो सकता जिसके स्कोर 13.4 लाख के अराउंड आते हैं। इनफैक्ट अगर Geekbench के स्कोर दिखाऊं तो यहाँ पर भी CE4 जो है 3000 के अराउंड स्कोर लेकर आ रहा है अच्छे। इनफैक्ट अगर मैं 3DMark का स्ट्रेस टेस्ट की बात करूं वहां पर भी स्टेबिलिटी अच्छी आई है और जो CPU थ्रॉटलिंग होती है वहां पर भी इसने अच्छा ग्राफ दिखाया है। तो इन बेंचमार्क्स को देख के लग तो रहा है भाई स्टेबल प्रोसेसर है और बेंचमार्क स्कोर्स तो अच्छे आए हैं तो भाई परफॉर्म भी ठीक करेगा। बट इस फोन में जब मैंने गेमिंग टेस्ट करा तब मेरे नोटिस में आया है कि जो प्रोसेसर है ना नया है, तो लाइक COD में अभी फुल पोटेंशियल इस प्रोसेसर का नहीं लिया गया है क्योंकि ये जो OnePlus C4 है ना हाई मैक्स सेटिंग्स लेकर आ रहा है, जबकि लास्ट ईयर वाला जो OnePlus Note CE3 था वो वेरी हाई मैक्स सेटिंग्स लेकर आता था। इनफैक्ट इस फोन का जो लेटेस्ट कॉम्पिटिशन है Nothing Phone 2A वो तो 90 FPS की सेटिंग लेकर आ रहा है COD में, तो यहाँ पर OnePlus को जल्दी ऑप्टिमाइजेशन लानी पड़ेगी। तो परफॉर्मेंस के बारे में ना चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करते हुए मैं इजी वर्ड्स में बोलना चाहूंगा, जिस तरीके का बैटरी डिपार्टमेंट है और जैसा प्रोसेसर इन्होंने पिक करा है मैं बता रहा हूँ ये दोनों कॉम्बिनेशन अच्छे है बहुत। बट अब मैं आपसे सीरियसली बात करना चाहूंगा सॉफ्ट डिपार्टमेंट के बारे में। देखो ये जो OnePlus Note CE4 है ये ऑक्सीजन OS 14 के साथ आता है जो कि Android 14 पे बेस्ड है और जो अपडेट पॉलिसी है वो जेनरिक है 2+3 ईयर्स की। बट इस फोन के सॉफ्टवेयर में एक नई सिचुएशन अराइज हुई है। अब OnePlus ने ऑफिशियली बोला है कि इस फोन में अगोड़ा और इंस्टाग्राम प्री इंस्टॉल करके देंगे। वो देखा जाए सिर्फ 2 एप्स है, इतना बड़ा इशू क्रिएट नहीं होना चाहिए। आई एम श्योर कुछ लोग इसको ब्लोटवेयर का टैग देंगे बट हाँ मैं मानता हूँ अभी सिर्फ 2 एप्स है, ज्यादा नहीं हुई। लेकिन जब फोन को सेटअप करते हैं ना मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये ऑप्शन देता है कि और भी आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। ये सब देखने के बाद मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है यार OnePlus एग्जैक्टली में करने क्या वाला है, क्या फ्यूचर में सच में ये बहुत ज्यादा ब्लोटवेयर देने लगेंगे? क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है OnePlus Note CE3 Lite के साथ कि काफी प्री इंस्टॉल एप्स थे उसके अंदर बट अपडेट से फिर वो रिमूव करी थी OnePlus ने। देखो पर्सनली मैं प्री इंस्टॉल एप्स का कोई बहुत बड़ा हेटर नहीं हूं क्योंकि ये प्री इंस्टॉल एप्स ब्रांड इसलिए देता है जिससे फोन को सस्ता किया जा सके। बट ये बात इस फोन में इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि OnePlus की USP थी कि ये सबसे क्लीन एक्सपीरियंस देते हैं और कुछ लोगों को ये चीजें मैटर करती है, इसलिए इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। और इस बात को साइड में रख के अगर फीचर्स के बारे में बात करूं तो यार ऑक्सीजन OS 14 मुझे बहुत अच्छी लगी है। मतलब इस फोन में भी फाइल डॉक का फीचर दिया है जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने कोई पिक्चर क्लिक करी हुई या फिर कोई भी रिसेंट डॉक्यूमेंट डाउनलोड करा है जस्ट वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और जब फोन को यूज करना स्टार्ट करता है ना ये फीचर बहुत यूजफुल लगता है। इनफैक्ट गैलरी में ना ऑप्शन है कि अगर मैं टैप एंड होल्ड करूं तो मैं कटआउट निकाल सकता हूं सब्जेक्ट का। और पिछले 5 दिन से मैं इस फोन को टेस्ट कर रहा हूं और जितने भी बेसिक टास्क मैंने परफॉर्म करे ना उसमें तो ये स्मूथ चल जाता है। बट मुझे 2 जगह बग्स भी देखने को मिले हैं, जैसे कि ये देखो अगर मैं पोर्ट्रेट मोड से फोटो खींच रहा हूं तो इतना लैगी एक्सपीरियंस है, ज्यादा स्मूथ वर्क नहीं करता है। सेकंड बग ये देखो अगर नाइट मोड से फोटोज खींचते ना तो 2-3 बार फोटोज खींचने के बाद नाइट मोड चलना ही बंद हो जाता है, जैसे कि आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिख रहा होगा कि जैसे इसने एज इट इज फोटो खींची हुई है, नाइट मोड वर्क नहीं हुआ। अब इसको ठीक करने के लिए ना मुझे क्या तो दूसरे मोड में जाना पड़ेगा या कैमरा ऐप बंद करके दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। और कैमरे की बात हो ही रही है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। इस फोन में 50+8+2 का सेटअप मिलता है बैक साइड में और ये जो मेन कैमरा है इसके अंदर LYT 600 कैमरा सेंसर यूज करा है OnePlus ने और ये वही कैमरा सेंसर है जो कि Realme 12 Plus में देखने को मिला था। चलो कुछ मेन कैमरे की फोटोज दिखाता हूँ। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि कितने नेचुरल कलर्स ये फोन लेकर आ रहा है और ये बात हाईलाइट भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कॉम्पिटिशन के कुछ फोन है जो बहुत कलरफुल सेचुरेटेड आउटपुट लेकर आते हैं जो इतना अच्छा नहीं। दूसरी अच्छी बात मेरे को ये लगी कि अगर वेराइटी ऑफ स्किन टोन भी मैं कैप्चर करता हूँ ना ये सबको प्रोसेस कर पा रहा है। और HDR टेस्ट करने के लिए ना मैंने बहुत अलग अलग सिनेरियो में फोटोज खींची है, अच्छा है HDR, बट स्टिल मेरी कंप्लेंट पता है क्या है कि जो शेडोज है वो थोड़ी सी अपर साइड रहती है और कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा कम रहता है, इस वजह से हल्का फेडेड लुक आता है। तो अगर आप एक ऐसे यूजर इसको मसालेदार फोटोज पसंद है तो ये थोड़ी सी न्यूट्रल सी रखता है फोटोज। और अगर अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करूं क्योंकि वो 8 मेगापिक्सल का है तो लाइक वो ओके डिटेल ही निकाल पाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कलर्स ये सही निकालता है। और सरप्राइजिंगली ये फोन यार नाइट मोड में एक्चुअली में अच्छा परफॉर्म कर जाता है। मतलब जैसे कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख रहे हो एकदम डार्क कंडीशन में भी ये फोन जो है ब्राइटनेस ला सकता है। और इन जनरल भी नाइट मोड की कुछ और फोटोज दिखाऊं, कलर्स ये रिटेन कर लेता है नाइट में भी, नॉइज भी इसने अच्छे से हैंडल करी हुई है और ओवरऑल ब्राइटनेस भी ना फोटो में सही अमाउंट की ले आता है। और फ्रंट कैमरे की बात करूं तो वो 16 मेगापिक्सल का है और कुछ सेल्फीज दिखाता हूं। मेरे हिसाब से यार प्राइस सेगमेंट के हिसाब से जज करूं तो यार अच्छा आउटपुट है। फिर से बोलूंगा स्किन टोन ये अच्छे से हैंडल कर रहा है, इनफैक्ट HDR भी अच्छा है इसका। खैर वीडियो के बारे में सिंपल सी बात बताऊंगा, मैक्सिमम 4K 30 FPS ये शूट कर सकता है। और अगर मैं वीडियो सैंपल भी दिखाऊं 4K का तो यार मेरे हिसाब से ये एक एवरेज क्वालिटी लेकर आता है तो ये कुछ ऐसे परफॉर्म करता है। चलो स्ट्रेट पॉइंट पे आते हैं, मेरे हिसाब से इस फोन का मैं कंक्लूजन देना चाहूं ना फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि भाई बेसिक्स तो ये फोन राइट लेकर आता ही है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि हर एक डिपार्टमेंट में वेल बैलेंस तरीके से चॉइसेस ली है OnePlus ने। और ऊपर से OnePlus का ब्रांड नेम भी देख के चलो क्योंकि ब्रांड वैल्यू इंडिया में बहुत मैटर करती है,
मैं इस फोन को फर्स्ट इंप्रेशन में रिकमेंड कर सकता हूँ, बट क्योंकि मैंने ब्रांड वैल्यू बोली है तो मेरे हिसाब से मेरे माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन रह जाएगा इस फोन से रिलेटेड कि फर्स्ट प्लेस पे ब्लोटवेयर ऐड ही क्यों हुआ। तो ये ब्लोटवेयर वाली सिचुएशन कमेंट सेक्शन में डिस्कस करते हैं भाई, आप अपना ओपिनियन लिखो। स्टिल कंफ्यूजन रहती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो यार, मैं यहाँ पर अपना हैंडल लिख देता हूँ। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक ब्रा आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी इंप्रूव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।